देख रहे हैं कैपिटल टीवी, मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में कृषि और खाद्य प्रसंस्करण पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने काफी अहम बातें कही। उन्होंने कहा कि कृषि सेक्टर, खेती किसानी के लिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। पीएम ने और भी कई अहम बातें कही। क्या क्या कहना है पीएम मोदी का, इस रिपोर्ट में देखिए। हमें अपनी खेती को केमिस्ट्री की लैब से निकालकर नेचर यानी प्रकृति की प्रयोगशाला से जोड़ना ही होगा। जब मैं प्रकृति की प्रयोगशाला की बात करता हूं तो ये पूरी तरह से विज्ञान आधारित ही है। ये कैसे होता है इसके बारे में अभी आचार्य देवव्रत जी ने विस्तार से बताया भी है, हमने एक छोटी सी फिल्म में भी देखा है और जैसे उन्होंने कहा उनकी किताब प्राप्त कर करके भी YouTube पर आचार्य देवव्रत जी के नाम से ढूंढेंगे तो उनके भाषण भी मिल जाएंगे। जो ताकत खाद में है, फर्टिलाइजर में है, वो बीज, वो तत्व प्रकृति में भी मौजूद है। बीज से लेकर मिट्टी तक सबका इलाज आप प्राकृतिक तरीके से कर सकते हैं। किसानों को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि आजादी के बाद के दशकों में जिस तरह देश में खेती हुई, जिस दिशा में बढ़ी, वो हम सब ने बहुत बारीकी से देखा है। अब आजादी के 100 वर्षों तक का जो हमारा सफर है वो नई जरूरतों, नई चुनौतियों के अनुसार अपनी खेती को ढालने का है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि किसान की आय बढ़ाने के लिए बीज से लेकर बाजार तक अनेक कदम उठाए गए हैं। मिट्टी के जांच से लेकर सैकड़ों नए बीज तक की व्यवस्था की जा रही है। इतना ही नहीं, पीएम किसान सम्मान निधि से लेकर लागत का 1.5 गुना MSP तक की योजना बनाई गई है। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सिंचाई के सशक्त नेटवर्क से लेकर किसान रेल तक की व्यवस्था की जा रही है। जो ताकत खाद में है, फर्टिलाइजर में है, वो बीज, वो तत्व प्रकृति में भी मौजूद है। बीज से लेकर मिट्टी तक सबका इलाज आप प्राकृतिक तरीके से कर सकते हैं। पीएम ने किसानों को संबोधित करते हुए काफी अहम बातें कही। पीएम मोदी बोले कि किसान की आय बढ़ाने के लिए बीज से लेकर बाजार तक कदम उठाए जा रहे हैं। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। जय हिंद।